पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अच्छी हूँ, चंगी भली फिट फाट टिप टॉप मज़े में। और आज मेरी एक मीटिंग है ज़ियाउल्लाह बंगश से, जो कि कोहाट के एक्स MP रह चुके हैं, अवामी लीडर हैं, अच्छा बंदा है। तो उसने मीडिया के हमारे कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया, उसी सिलसिले में आज मीटिंग है, क्योंकि वो जलसा करने जा रहे हैं और जलसे के हवाले से अपनी कुछ डिटेल हमसे शेयर करेंगे। तो चलें निकलते हैं क्योंकि फिर देर हो रही है। जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का व्यू देखा जाए, मौसम को एंजॉय किया जाए और थोड़ी सी क्यों ना पिक्चर्स और वीडियो ही बनाई जाए, और उसके साथ साथ आपको भी दिखाया जाए अपने हुस्न का जलवा, अपने शहर के हुस्न का जलवा। तो ये है कि आज के दिन मौसम बहुत ज़बरदस्त था, और ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये व्यू चेक करें, यहाँ पे पहले पैराग्लाइडिंग होती थी कोई 3-4 साल पहले, और अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन ये सर्किट हाउस का एरिया है और यहाँ पे जो है कभी कभार जाना हमारा होता है, जब कोई मीटिंग होती है या फिर वैसे ही कभी कभार इस जगह पे जाके हम बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभार जाना होता है। तो यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है सर्किट हाउस का, क्योंकि ये टॉप पे है और बाकी जो आबादी है वो इसके बिल्कुल सराउंडिंग में है, नीचे है, और ये टॉप पे है, तो इसलिए भी इसका व्यू बहुत खूबसूरत है। चलें अंदर चलते हैं। जलसे हवाले सारा पूरा मेहनत में शुरू करे थे दख 32 तारीख मैंने पता लगे सब मेहनत सोरा रंग रौड़ी। बहुत शुक्रिया जब लोग आए, और आज की नशिस्त का मकसद आप लोगों के साथ ये था कि आज हम आप लोगों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जैसा कि आपको पता है कि हम इंशाल्लाह 30 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम क्वाड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फुटबॉल ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। उस हवाले से हमारी जो तैयारियां हैं वो इंशाल्लाह हम ज़ोर शोर से उसकी तैयारियां कर रहे हैं। सितंबर के आखिरी दिन चल रहे थे, लेकिन चूंकि कल बारिश हुई थी, और आप यकीन करें कि ये धूप जो है हमें बहुत अच्छी फील हो रही थी, ये सुनहरी धूप, ये बादल, ये आसपास का व्यू, क्या ही मंज़र था, हम तो जैसे इस मंज़र में खो से गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलें, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कोहाट नहीं देखा तो मेरे साथ आप देख लेंगे मेरा शहर। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं घर में बैठ जाती हूँ तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, और जब मैं उठी तो आप यकीन जानिए मैं एकदम से रिचार्ज हो गई, मैं रिफ़्रेश हो गई, और शायद जगह का कमाल था या क्या वजह थी। हमारे यहाँ वक्त की पाबंदी करना भी ख़ुद में एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम टाइम देते हैं अगर 10 बजे का तो उसका मतलब होता है 11, बिल्कुल भी नहीं, उसका मतलब होता है 11:30। तो यहाँ पे अभी हमें टाइम दिया गया था, अजानें हो रही हैं, अजानों के एहतराम में फ़िलहाल मुझे खामोश हो जाना चाहिए।
वेल ये कॉरिडोर है, इस वक्त यहाँ पे इनके कोई मैनेजर नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है, वरना मैं आपको रूम्स भी दिखा देती। ये इनका किचन है, इंतहाई साफ सुथरा ज़ाहिर है, कभी कभी यूज़ होता है शायद इसलिए। और ये इनके कुछ रूम्स बने हुए हैं और ये विंडो है जहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। सर्किट हाउस को आप सरकारी मेहमान खाना भी कह सकते हैं, लेकिन इस जगह को बहुत वेल मेंटेन रखा हुआ है। हालांकि ये काफ़ी अरसा पहले पुरानी जगह है, लेकिन जाहिर सी बात है जब चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा निखर के सामने आती हैं। तो इस बिल्डिंग का भी हाल कुछ ऐसा ही था, बहुत ही जगह भी ज़बरदस्त थी और अंदर से इसकी सेटिंग भी बहुत अच्छी की हुई थी। ये आसपास की आबादी आपको नज़र आ रही है। वेल अभी हम सर्किट हाउस से बाहर निकलने लगे हैं और सर्किट हाउस में मैं तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले मैं आई थी अम्मी के साथ और आज फिर यहाँ पे इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ, तो सब कुछ बहुत अजीब सा और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन धूप अभी काफ़ी हो गई है तो जी हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं। अरे भैया ये कि दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी भी गाड़ी गाड़ी है, कोई ट्रक नहीं है, हम निकल ही जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी